भजन लाल की हो जाएगी छुट्टी, मोदी राजस्थान में फिर करेंगे खेला, बदल देंगे राजस्थान का मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के वक्त जो हुआ था वो हर किसी को याद है। कैसे एक पर्ची आती है और पर्ची खोलते हुए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होता है और भजन लाल शर्मा नए सीएम बनते हैं। लेकिन क्या अब एक बार फिर से राजस्थान में नई पर्ची खुलेगी? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल जाएगा? ये सवाल जनता उठा रही है, आखिर क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी कुछ दिनों से सीएम भजन लाल शर्मा को खूब ट्रोल किया जा रहा है, कभी अपने बयान तो कभी जनता की भीड़ गायब होने की वजह से लगातार वो ट्रोलर्स के निशाने पर है। कई जगह उनकी बेइज्जती हो चुकी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से एक नया दावा कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव के बाद बदल सकती है सरकार। कांग्रेस के इस एक दावे ने अचानक कई सवाल उठा दिए, कई कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फतेहपुर शेखावाटी में जमकर प्रचार किया और भजन लाल का मजाक भी बना दिया। डोटासरा ने कहा, पर्ची सरकार लोकसभा चुनाव के बाद बदल सकती है, लोकसभा चुनाव के बाद में पर्ची किसकी आएगी पता नहीं, एक बात भी 100 दिन में अच्छी नहीं बोली। अब भजन लाल सरकार को पर्ची सरकार कहकर डोटासरा ने दावा किया है कि सरकार बदल सकती है, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद नई पर्ची आ सकती है। उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं, सवाल कि क्या मोदी अब राजस्थान में फिर से एक नई पर्ची के सहारे नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दावे को कुछ लोग सच भी मान रहे हैं क्योंकि लगातार भजन लाल की फजीहत हो रही है। ऐसे में मोदी राजस्थान को खोना नहीं चाहेंगे तो तगड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन डोटासरा के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कुछ कहा है वो भी बताते हैं। आगे उन्होंने कहा, 5 साल में जितनी बार अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर में बैठे, मुख्यमंत्री भजन लाल 100 दिन में ही उतनी बार बैठ गए। अब की बार 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर बोले कि ये परसेप्शन सेट करने की कोशिश की है, हमने यहाँ गारंटी दी, हमने लागू की, किसानों का बिल माफ किया, जब इन्होंने 3,650 दिन में नहीं किया तो अब क्या करेंगे। आगे डोटासरा ने कहा, मैं तो भगवान से अरदास करता हूँ यही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, 5 साल इनका बहुमत है, हम इनकी तरह तोड़ी फोड़ी करते रहे तो 5 साल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भरतपुर अलवर में भीड़ नहीं मिली, इनकी रैलियां फेल हो रही है, महादेव की सौगंध, हिंदू हो तो लौट के आ जाओ, खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं, जो लिख कर दिया जाता है वही बोल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से डोटासरा ने भजन लाल की बेइज्जती कर दी है और नया दावा कर दिया है। लगातार हो रही है भजन लाल की बेइज्जती। इन कुछ दिनों से लगातार सीएम भजन लाल की फजीहत हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही भजन लाल शर्मा धौलपुर पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, जहां भाषण के दौरान जनता उनके भाषण से उठकर जाने लगी, जिसको देखकर वहां बैठे एक नेता ने भजन लाल को रुकने को कहा और जनता से कहा, भोले बाबा की कसम है अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई नहीं जाएगा, लौट के आओ, आपको महादेव की सौगंध है, बैठो 5 मिनट, अगर हिंदू हो तो लौट के आओ। इसको लेकर कहा गया था कि भजन लाल को कोई सुनने तक को नहीं चाहता है, जबरदस्ती लोगों को रोका जा रहा है कसम दिलवाकर। वहीं जब शुरू शुरू में भजन लाल सीएम बने थे तब एसआईटी का गठन करने के ऐलान के दौरान वो रुक रुक कर बोल रहे थे, इस पर भी खूब सवाल उठे थे, वो बयान भी सुनिए। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है, इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी की गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। तो सुना आपने, अब फिलहाल जिस तरह से डोटासरा ने ये दावा कर दिया है तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कोई फैसला ले सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।